बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की साक्षी और गांधी के सत्याग्रह की भूमि बिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, साथ ही IOCL और HPCL के नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की लिखेगा नई कहानी। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत पंख दे रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना ने बिहार वासियों को सेहत का उपहार देकर हानिकारक धुएं से मुक्ति दिलाई। इस कारण बिहार में LPG की मांग तेजी से बढ़ी। अब मांग बढ़ी तो बिना बॉटलिंग प्लांट और पाइपलाइन के इसकी पूर्ति कैसे संभव होती, तो इसे संभव बनाया पारादीप हल्दिया दुर्गापुर बांका मुजफ्फरपुर पाइपलाइन ने, जिसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बिहार पैकेज में की थी। इंडियन ऑयल ने सिर्फ 17 महीने में 194 किलोमीटर लंबे दुर्गापुर बांका सेक्शन पाइपलाइन के निर्माण को पूरा कर दिया। इस पाइपलाइन को बनाने में वैसे तो थी बहुत चुनौतियां, लेकिन इनोवेटिव इंजीनियरिंग ने किया सब आसान। 634 करोड़ रुपए लागत और 2.1 MMTPA क्षमता वाली दुर्गापुर बांका सेक्शन वाली ये पाइपलाइन राज्य में बढ़ती LPG की मांग को करेगी पूरी। ये पाइपलाइन पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से होकर गुजरेगी। दुर्गापुर और बरौनी में पंपिंग सुविधाएं और बांका, पटना और मुजफ्फरपुर में LPG बॉटलिंग प्लांटों में डिलीवरी की होगी सुविधा। साथ ही पाइपलाइन को पटना और मुजफ्फरपुर तक बढ़ाने का काम चल रहा है। इसके साथ ही इसे मुजफ्फरपुर गोरखपुर पाइपलाइन बिछाकर विश्व की सबसे लंबी 2,828 किलोमीटर कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन के साथ भी जोड़े जाने की है योजना। इन दोनों पाइपलाइनों का इंटरकनेक्शन देश की कुल LPG मांग का करीब 45% हिस्सा करेगी पूरा। ये पाइपलाइन प्रदूषण को कम करने में भी होगी मददगार, क्योंकि पहले LPG की सप्लाई होती थी ट्रकों के माध्यम से, लेकिन अब ये होगी इस पाइपलाइन के द्वारा। बांका में LPG बॉटलिंग प्लांट, 29.74 एकड़ में फैले इस प्लांट की कुल लागत है 132 करोड़ रुपए। इसकी बॉटलिंग क्षमता होगी 40,000 सिलेंडर प्रतिदिन, यानी 85,00,000 सिलेंडर प्रतिवर्ष। इसके द्वारा बिहार में भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार और झारखंड में गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों की LPG की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। बिहार के चंपारण में HPCL का नया LPG प्लांट। HPCL ने पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में LPG बॉटलिंग प्लांट का किया निर्माण। 29 एकड़ भूमि पर फैले इस प्लांट की कुल लागत है 136 करोड़ रुपए। इसकी बॉटलिंग क्षमता होगी 40,000 सिलेंडर प्रतिदिन, यानी 85,00,000 सिलेंडर प्रतिवर्ष। ये प्लांट पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी, साथ ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में LPG की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। बिहार बदल रहा है, इसकी पहचान भी बदल रही है। इन प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से बिहार में न सिर्फ नए नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, बल्कि बिहार विकास का पूरक बनकर आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत स्तंभ भी होगा। आज इन सभी प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।